हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। फ्रेंड्स, हम क्लास 11th का सोशियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। इसमें फोर्थ चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं अभी करेंगे, क्योंकि पहला वीडियो इसका ऑलरेडी अपलोडेड है फोर्थ चैप्टर का, जो बेसिक जिसमें हमने इनलाइटनमेंट, फ्रेंच रिवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। इस चैप्टर में हम तीन जो मेन थ्योरी सोशियोलॉजिस्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है कार्ल मार्क्स, उनका दो वीडियो में आएगा। एक वीडियो में जो बेसिक है, जो इवोल्यूशन वगैरह या हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में बताया हुआ है वो बताएंगे। सेकंड वीडियो में क्लास स्ट्रगल बताएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इमाल डर्खाइम का है, उनके थ्योरी दो वीडियो में। उसके बाद मैक्स वेबर का दो वीडियो में कम्प्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या है इसमें। देखिए, स्टार्टिंग में तो उनके बारे में बेसिक जानकारी है, बायोग्राफी है, आप रीड कर लेना, ठीक है ना। यहाँ से मैं बताता हूँ, सबसे पहले ये जर्मनी से बिलोंग करते थे, लेकिन बहुत सारा अपना, क्योंकि जर्मनी से निकाल दिया गया था इनको, क्योंकि इनकी थ्योरी इतनी खिलाफ होती थी, सरकार के खिलाफ वगैरह होती थी, ठीक है ना। बहुत स्ट्रिक्ट थ्योरी होती थी और मतलब अगेंस्ट होती थी सरकार के, तो इनकी थ्योरी के कारण इनको निकाल दिया गया जर्मनी से। ये बहुत अपना काफ़ी समय बिताए ब्रिटेन में, इवन इनको जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया तीनों जगह से निकाल दिया गया था, ठीक है ना। ये फिलोसफर नहीं थे, फिर भी फिलोसफी इन्होंने रीड किया था। अब यहाँ से ध्यान से देखना, ही वॉज ए सोशल थिंकर हु एडवोकेट एन एंड टू ऑपरेशन एक्सप्लॉयटेशन। देखो ये क्या बोलते थे कि सोसाइटी दो पार्ट में बटी हुई है, एक ऊपर वाला क्लास, एक नीचे वाला क्लास। नीचे वाला क्लास ऊपर वाले क्लास को सर्व करता है और नीचे वाला क्लास कुछ ज़्यादा इसको देता नहीं है, ठीक ना। नीचे वाले क्लास को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता है, ऑपरेशन का सामना करना पड़ता है। तो ये और एडवोकेट करते थे कि ये इसका खात्मा हो, कि मतलब ऐसा हो कि ये लोग साथ साथ रहे, ऐसा नहीं हो कि एक क्लास दूसरे क्लास को ऑपरेस कर रहे, एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, ऐसा ना हो, इसको ख़त्म करने देना चाहते थे। ध्यान देते हैं, उनका बिलीव था, ही बिलीव डैट साइंटिफिक सोशियोलिज्म वुड अचीव दिस गोल। साइंटिफिक सोशलिज्म का मतलब था, इनका मानना था कि एक ऐसा समय आएगा या ऐसा फेज आएगा जिसमें इसका खात्मा हो जाएगा। सोशलिज्म का मतलब होता है कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरियन। देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ कि इस ये बात करें कैपिटलिस्ट सोसाइटी की। उस समय सोसाइटी कैपिटलिस्ट थी, जिस समय मार्क्स थे उस समय दो सोसाइटी दो पार्ट में बटी थी। एक थे, इसको कैपिटलिस्ट बोलते हैं या बुर्जो क्लास बोलते हैं, और इसको बोलते थे प्रोलिटेरियन, ठीक है ना। अभी ऊपर वाले का दबदबा है, बी का दबदबा है, पी को ऑपरेस करता है। पी बोल सकते हैं आप वर्किंग क्लास है, लेबर क्लास है, ठीक है। इसका अभी इसका दबदबा है, ठीक है ना। इसके ये अपना लेबर बेचता है इसकी कंपनी में, बस ऐसा बोलते, इसकी फैक्ट्री में बोल सकते हैं। तो ये बोला कि ऐसा समय आएगा कि रिवॉल्यूशन होगा और ये क्या कर देगा, इसके साम्राज्य को उखाड़ के फेंक देगा, और धीरे धीरे क्या होगा, ये अपना सत्ता स्थापित कर लेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, एक ऐसा फेज आएगा कि सब बराबर वाला फेज आ जाएगा, कि कोई भी मतलब इस टाइप का हो जाएगा कम्युनिज्म। मतलब उस समय क्या होता है, कोई भी गवर्नमेंट का ज़रूरत नहीं होगा, सब बराबर ही रहेंगे, ठीक है ना, सब में बहुत ज़्यादा इक्वालिटी आ जाएगा। तो यही बात कर रहे थे कि ये बोलते थे कि साइंटिफिक सोशलिज्म जिस समय आएगा उस समय ये गोल अचीव हो जाएगा, उस समय कोई किसी को ऑपरेस नहीं करेगा, कोई किसी को एक्सप्लॉयट नहीं करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक क्रिटिकल एनालिस्ट थे, किसके, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के। ऑब्वियसली कैपिटलिस्ट सोसाइटी इनको ख़राब लगता था, जितनी उस समय कैपिटलिस्ट सोसाइटी की वाहवाही हो रही थी उस समय, मतलब इस जब कैपिटलिस्ट सोसाइटी इतने पीक पे था उस फेज में इन्होंने कैपिटलिस्ट सोसाइटी के खिलाफ जाकर बोला, ठीक है ना। वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि, और फिर वो क्या बोलते थे कि ऐसा नहीं कैपिटलिस्ट सोसाइटी बहुत दिन से चला रहा है, वो ऐसा बोलते थे कि मार्क्स उनका मानना था कि ह्यूमन सोसाइटी है वो प्रोग्रेस करता है डिफरेंट स्टेजेज में, जैसे पहले कुछ और फेज रहा होगा, उसके बाद कुछ और फेज, उसके बाद कुछ और फेज, लेकिन इस सब में क्या होता है, एक क्लास पावरफुल रहता है, एक क्लास ऑपरेस्ड रहता है, उस पर्टिकुलर क्लास को एक्सप्लॉयट किया जाता है। इसलिए बोलते थे कि एक ऐसा फेज आएगा जिसमें सब बराबर हो जाएंगे, और ये आएगा कैसे, क्लास स्ट्रगल से। क्लास स्ट्रगल कैसे होता है, स्ट्रगल का मतलब एक ऊपर क्लास एक नीचे क्लास, दोनों के बीच स्ट्रगल होगा तो क्या करेगा, ये इसका ऊपर वाले का सत्ता ख़त्म कर देगा नीचे वाला, ठीक है ना, उसके बाद सब बराबर हो जाएंगे। ये इनका मतलब ये ऐसा बोलते यूटोपिया था, मतलब इनका सोच था ऐसा कि हो सकता है, ठीक है ना। तो अब
अब देखते हैं उनका को देखो, उन्होंने बता तो दिया कि हमारा समाज डिफरेंट स्टेजेज में, मतलब ह्यूमन सोसाइटी डिफरेंट स्टेजेज में प्रोग्रेस किया है, बहुत सारे स्टेज में। तो अब क्वेश्चन उठता है वो स्टेज कौन कौन थे। सबसे पहला स्टेज था प्रिमिटिव कम्युनिज्म का। प्रिमिटिव कम्युनिज्म में क्या था, सब बराबर थे। ऑब्वियसली क्यों सब बराबर थे, क्योंकि कोई क्लास कोई रूल ही नहीं था। क्यों ऐसा क्यों था, क्योंकि एक सेकेंड ठीक है। तो ये हम यहाँ पे बताएंगे, सबसे पहला फेज था प्रिमिटिव कम्युनिज्म का। भाई इस समय क्या था कि सोसाइटी बहुत नई थी, नई नई सोसाइटी थी, तो सब वही फल तोड़ के खाना, जंगल जानवर को मार के खाना। तो सब ये सब क्या थे, कम्युनिटी में रहते थे और सब काम करते थे, सब खाते पीते थे। यानी उस समय किसी को कोई स्पेशलाइजेशन नहीं थी, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं था, सब साथ मिलके रहते थे, ठीक है ना। उस समय कोई क्लास नहीं था, कोई रूल नहीं था, इसलिए वहाँ पे कम्युनिज्म बोला जाता है कि सब बराबर है। नेक्स्ट फेज क्या था, स्लेवरी। स्लेवरी फेज में क्या हुआ, ध्यान देना क्या होता है कि इसी में, मतलब अभी लोग क्या कर रहे हैं, जानवर को मार रहे हैं, फल तोड़ रहे हैं। तो अब इसमें कुछ लोग क्या हुआ, कुछ लोग जानवर को मारने में या फल के तोड़ने में मास्टरी हासिल कर ली होगी, या हो सकता है कोई हथियार हो बना लिया हो उन्होंने। तो जब वो मास्टरी हासिल कर ली, स्पेशलाइजेशन हो गया उस पर्टिकुलर फील्ड में, तो वो क्या करेगा, वो सरप्लस अपने लिए प्रोड्यूस करने लगेगा, या फल तोड़ना या जानवर को मारना सरप्लस। तो सरप्लस जैसे ही प्रोड्यूस करना होगा तो कुछ लोग उनके पीछे लग जाएंगे कि भाई आप तो प्रोड्यूस कर ले रहे हो, हमें भी साथ दे दो। तो कुछ लोग, यहीं से शुरुआत होता है स्लेव का, मास्टर और स्लेव यहीं से शुरुआत होता है, ठीक है ना। अब मास्टर क्या करेगा, जिसने स्पेशलाइजेशन हासिल कर ली, वो ज़्यादा काम नहीं करेगा। काम किससे करवाएगा, जो लोग उस पर डिपेंडेंट है, इन सब पे से काम करवाएगा, और मास्टर इनको एक्सप्लॉइट भी करेगा, ठीक है ना। एक समय ऐसा आएगा कि जो जो नीचे से स्लेव है वो मास्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर देंगे, रिवोल्ट होगा। उसके बाद ये फेज जो मास्टर स्लेव वाला फेज था वो भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर से, अरे ख़त्म कैसे हुआ भाई, क्लास स्ट्रगल से ही ख़त्म हुआ ना, ठीक है। नेक्स्ट फेज आता है क्या, फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म मतलब क्या होता है, एक होता है फ्यूडल लॉर्ड्स, एक होता है सर्फ। देखो फ्यूडल लॉर्ड के पास बहुत सारे जमीन होता है, सर्फ उनके जमीन पर काम करते हैं, ठीक है, ऐसे चीज़ें होती है फ्यूडल लॉर्ड। उसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि इसमें हम ज़्यादातर पढ़ाई किसके बारे में कर रहे हैं, कैपिटलिज्म की। तो कैपिटलिज्म जो कि अभी नया वाला है, कैपिटलिज्म में दो टाइप के क्लास है, ठीक है। एक को बोलते हैं कैपिटलिस्ट क्लास, जिसको हम बुर्जो क्लास बोलते हैं। एक को बोलते हैं वर्कर क्लास, यानी इसको प्रोलिटेरियट बोलते हैं, ठीक है ना। ये अभी उस एज जिसमें बिलोंग करते थे उस समय बोलते थे, यूरोप में यही अभी चल रहा है, हो सकता है उस समय इंडिया वगैरह में नहीं रहा होगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोलते थे कि, और कैपिटलिस्ट सबसे लेटेस्ट फेज था। मार्क्स का ये भी मानना था कि एक समय ऐसा आएगा इनमें भी स्ट्रगल हो जाएगा, और जो नया फेज आएगा वो सोशलिज्म का होगा, ठीक है ना, सोशलिज्म। उसके बाद यहाँ पे मार्क्स बिलीव डैट एडुट गिफ्ट अवे टू सोशलिज्म, ठीक है, नया फेज जो आएगा इनका मानना था। लेकिन अभी करेंटली फेज कौन चल रहा था, अभी करेंटली फेज चल रहा है कौन सा, कैपिटलिज्म, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी वॉज मार्क्ड बाई एन एवर इंटेंसिफाइंग प्रोसेस ऑफ एलियनेशन ऑपरेटिंग एट सेवरल लेवल। एलियनेशन का मतलब क्या होता है, देखो ये बोलते थे कि इस फेज में, मतलब कैपिटलिस्ट वाले फेज में ही सबसे ज़्यादा एलियनेशन है। एलियनेशन क्या होता है, एलियनेशन का मतलब होता है सेपरेशन। जैसे मान लो एलियनेशन का मतलब होता है सेपरेशन फ्रॉम, जैसे एक इसका प्रॉपर डेफिनेशन है, मैं बताता हूँ इसका प्रॉपर डेफिनेशन है। एलियनेशन इज ए सिचुएशन इन विच अ फीलिंग ऑफ इनरैगमेंट एंड डिसएंचमेंट इज एक्सपीरियंस फ्रॉम द ग्रुप सोशल सिचुएशन एंड अदर इंडिविजुअल हिमसेल्फ। जैसे इसमें क्या मैं बताता हूँ, एलियनेशन का मतलब है आपको खुद से खफा हो जाना, मतलब आपको पता ही नहीं चला मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, इस सोसाइटी में क्यों हूँ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें कभी कभी लगता है, जब हम जॉब पे जाते हैं हमें कभी लगता है यार हम कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। कोई फीलिंग नहीं आती है कि यार जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे प्रोडक्ट मेरा ही है। तो धीरे धीरे क्या होगा, सेपरेशन अलग, जैसे एलियनेशन अलग अलग लेवल पे होता है, वो लेवल क्या है, ठीक है ना। तो लेवल क्या है, एक वर्ड है ना, खुदा खफा हो जाना, जुदा हो जाना, खुद से जुदा हो जाना, खुद से खफा हो जाना, किसी से भी, इसी को एलियनेशन, मतलब ठीक से हम समझ सकते हो इसको, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है, हाँ चलो अब इसको करते हैं। हाँ क्या क्या, कौन 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 से लेवल पे एलियनेट है, पहला
फर्स्ट मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटीज वन वेयर ह्यूमंस आर मोर एलियनेटेड फ्रॉम नेचर दैन बिफोर, ठीक है ना, मतलब नेचर से एलियनेट हो गए हैं, ठीक है ना, एलियनेट हो गए हैं किससे, नेचर से, बहुत ज़्यादा एलियनेट हो गए हैं। सेकेंड, किससे एलियनेट हो गए हैं, एक दूसरे से, हमें पता ही नहीं है, हम साथ काम करते फिर भी पता ही नहीं चलता, हम क्योंकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी थोड़ा इंडिविजुअलिस्टिक हो गया ना, कि सब अपने अपने में परे रखते हैं, दो के बीच रिलेशनशिप है वो भी मार्केट ओरिएंटेड है, ठीक है ना, पहले जो होता था कम्युनिटी वाला रिलेशन होता था वो नहीं है, तो अब एक दूसरे से एलियनेट हो गए हैं, एक दूसरे से भी एलियनेट हो गए हैं। थर्ड क्या होता है, लार्ज मास ऑफ वर्किंग पीपल इज एलियनेटेड फ्रॉम द फूड शॉप। भाई क्या आप जो कंपनी में काम करते हो, आप जो प्रोडक्ट बनाते हो, आपको लगता है प्रोडक्ट सिर्फ मेरा नहीं, आप एक फैक्ट्री में काम करते हो जहाँ पे आपको सिर्फ पेंट करना है कार का, आपको फील ही नहीं आएगा कि प्रोडक्ट, ठीक है, आपको फील ही नहीं आया कि प्रोडक्ट मेरा है, आप जो प्रोड्यूस किए हो उस पे भी आपका कोई लेना देना नहीं है, आप सिर्फ उसमें एक काम कर रहे हो, पेंटिंग करना बस, उसके अलावा एक एक ये तो एकदम हाई लेवल का एलियनेशन हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोर ओवर, ठीक है, यहाँ तक किस किस चीज़ से, सबसे पहले हुआ कि नेचर, सेकेंड हमने देखा एक दूसरे से ईच अदर, थर्ड क्या हुआ अपने प्रोडक्ट से, फोर्थ क्या हुआ, ये तो बहुत खतरनाक हुआ एलियनेशन फ्रॉम इटसेल्फ, आपको लगेगा ही नहीं हम कर क्या रहे हैं, ठीक है ना, आपको अपने आप से ही खुद खफा हो जाओगे कि ऐसा लगेगा कि यार हम कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। आप लिखो फाइनली एज द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ दीज एलियनेशन ह्यूमन बींग आर ऑल्सो एलियनेटेड फ्रॉम देम सेल्फ एंड स्ट्रगल टू मेक देम। देखो जैसे मान लो एक एग्जांपल बताता हूँ कि आप कंपनी जाते हो, कुछ काम करते हो, आपको फील ही नहीं है यार मैं कर क्या रहा हूँ, क्या मेरा लाइफ ये है, मेरा गोल ये था, धीरे धीरे ऐसा होगा कि अपने आप से ही खफा होने लगो, फिर अपने आप मतलब जो एक होता है मीनिंगफुल लाइफ वो नहीं हो रहा है आपका, अगर मीनिंगफुल लाइफ नहीं हो रहा तो आप क्या करने लगते हो, स्ट्रगल करने लगते हो, मतलब आप क्लास स्ट्रगल करते हो, आप कुछ ना कुछ बदलाव चाहते हो जिससे मेरा लाइफ जो मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ, जितना मैं टाइम दे रहा हूँ उससे मेरा लाइफ मीनिंगफुल बने, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंबाइन ऑल ऑफ दिस ह्यूमन बींग आर ऑल्सो एलियनेटेड फ्रॉम देमसेल्फ एंड स्ट्रगल टू मेक देयर लिव्स मीनिंगफुल एंड इन द सिस्टम वेयर दे आर बोथ मोर फ्री बट ऑल्सो मोर एलियनेटेड एंड लेस इन कंट्रोल देयर लिव्स देन बिफोर। ऑब्वियसली देख रहे हो कि अपने लाइफ पे कंट्रोल ही नहीं है, आप कहाँ काम कर रहे हो, आप देखो हम कभी चाहते हैं कि मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ, नहीं कर पाओगे, आपको काम वहीं करवाया जाएगा जहाँ वो लोग चाहते हैं, ठीक है ना, जहाँ कंपनी वाले चाहते हैं उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाना होगा, ठीक है ना। उसका लिखा हुआ है हाउएवर इवन थ्रो इट वॉज एन एक्सप्लॉयटेटिव एंड ऑपरेसिव सिस्टम। देखो भले ही एक्सप्लॉयटेटिव है लेकिन मार्क्स का मानना ये जरूरी भी था क्योंकि कैपिटलिज्म में एक इतना ज़्यादा ऑपरेशन हो गया, इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो गया कि अब क्लास स्ट्रगल होके ही रहेगा, वो अलग बात है नहीं हुआ, ठीक है ना, क्लास स्ट्रगल उनका मानना था कि एक क्लास स्ट्रगल होगा, ठीक है ना, उनका मानना था कि इगालिटेरियन फ्यूचर का मतलब होता है इक्वल फ्यूचर, ठीक है ना, जिसमें ना एक्सप्लॉयटेशन हो ना पॉवर्टी हो, इनका मानना था ये दोनों चीज़ से ख़त्म, इन दोनों चीज़ से निजात पाने के लिए एक प्री कंडीशन होना चाहिए था। वो प्री कंडीशन क्या है, वो प्री कंडीशन है कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो यह बताया जा रहा है कैपिटलिस्ट सोसाइटी वुड बी ट्रांसफॉर्म बाय इट्स विक्टिम। अब कैपिटलिस्ट सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कौन करेगा, कैपिटलिस्ट सोसाइटी को सोशलिस्ट सोसाइटी में कन्वर्ट कौन करेगा, भाई जो विक्टिम है, क्या जो इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जिसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा हो क्यों चेंज करना चाहेगा, चेंज वही करेगा ना जो विक्टिम है, जो इनका सताया हुआ है, ठीक है ना। कौन है, वर्किंग क्लास यानी जो प्रोलिटेरियट है, पहला क्या है बुर्जो क्लासेस और दूसरा प्रोलिटेरियट, ये चेंज करना चाहेगा, ठीक है ना। ये क्या करेगा, ये सब यूनाइट हो जाएंगे कलेक्टिवली और ब्रिंग अबाउट द रिवॉल्यूशन टू ओवर थ्रो इट एंड एस्टैब्लिश ए फ्री एंड इक्वल सोशलिस्ट सोसाइटी, ठीक है ना। मतलब इस सबको हटा देंगे, क्लास स्ट्रगल के थ्रू इसको हटा देंगे, एक नया सोसाइटी आएगा जो सोशलिस्ट सोसाइटी आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ कैपिटलिज्म मार्क्स अंडरटुक
एन इलाबोरेटिव स्टडी ऑफ एन पोलिटिकल, देखो इन सब के स्टडी के, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये बताता है कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को आप स्टडी कर लो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे बताया कि मार्क्स सब कुछ का स्टडी कर, लेकिन स्पेशली इकोनॉमिक्स, क्योंकि इनका मानना था कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, सोसाइटी ही डिपेंड करती है इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे। इकोनॉमिक एस्पेक्ट कैसे, इनका मानना था सीधा कि पैसा ही सब कुछ है, ठीक है ना। कैसे बोलते थे, आप जिस लेयर में बिलोंग करते हो, आपका क्लास जिस टाइप से, क्लास कैसे आपका डिफाइन होता है, आपका क्लास इस तरह से डिफाइन कर होगा कि आप इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में किस लेवल पे हो, क्या आप फैक्ट्री के मालिक हो या फैक्ट्री के लेबर हो। तो फैक्ट्री के लेबर हो तो सारे फैक्ट्री के लेबर एक क्लास में आ जाएंगे, सबका प्रॉब्लम एक होगा, ऐसी बातें करते हैं, ठीक है। आप देखते हैं क्या है। मार्क्स कंसेप्शन ऑन इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोड ऑफ प्रोडक्शन एक नया टॉपिक आया, मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। क्या है, ध्यान देना, मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है कि प्रोडक्शन हो कैसे रहा है। ध्यान देना, प्रोडक्शन एक ब्रॉड लेवल में हम डिफाइन करें तो मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है इंटायर वे ऑफ लाइफ। जैसे मान लो प्रिमिटिव सोसाइटी में कैसे प्रोड्यूस करते थे, प्रोडक्शन कैसे होता था, क्या सब मिलकर तोड़ तोड़ के खा लेते थे, बस यही ना। लेकिन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में प्रोडक्शन क्या हो रहा है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड किया ना दोनों जगह पे अलग अलग। तो प्रोडक्शन प्रोसेस जनरल लेवल पे हम देखें तो मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, इंटायर वे ऑफ लाइफ होता है किसी एरा का, चाहे वो प्रिमिटिव का अलग होगा, जैसे स्लेव सोसाइटी का अलग होगा, फ्यूडल सर्फ का अलग होगा, कैपिटलिस्ट सोसाइटी का अलग होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि मार्क्स कंसेप्शन ऑफ इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन व्हिच स्टूड फॉर अ ब्रॉड सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एसोसिएटेड विद द एपोक ऑफ हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल प्रोडक्शन। देखो ये बता रहा है कि हमने देखा ना कि हिस्टोरिकल कैसे, हिस्ट्री कैसे इवॉल्व हुआ है, पहले प्रिमिटिव सोसाइटी, फिर स्लेव वाली, फिर फ्यूडल लॉर्ड्स वाली, उसके बाद कैपिटलिस्ट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अलग अलग में अलग अलग मोड ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे बताया कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म में अलग है, स्लेवरी फ्यूडलिज्म में अलग है, कैपिटलिज्म में अलग है। वेयर ऑल मोड ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग है, एट द जनरल लेवल मोड ऑफ प्रोडक्शन डिफाइन एन इंटायर वे ऑफ लाइफ, जिसमें मतलब जो जो कैरेक्टर था उस पर्टिकुलर एरिया का। लेकिन स्पेसिफिक लेवल पे देखें तो क्या है, ध्यान देना, ये तो जनरल लेवल है, लेकिन स्पेसिफिक लेवल पे देखें तो मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, देखो, बीइंग समथिंग लाइक ए बिल्डिंग इन अ सेंस दैट इट कंसिस्ट ऑफ ए फाउंडेशन ऑफ बेस और द सू एंड। देखो नॉर्मल बात मैं बता देता हूँ, एक एक पिक्चर पहले निकालता हूँ आपके लिए, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। देखो इसको ध्यान से देखो, आप मोड ऑफ प्रोडक्शन आपने बताया ना, देखो क्या होता है कि एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसी को बोलते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या होता है, आपके बुक में लिखा होगा प्रोडक्शन फोर्सेस, उसी को बोल प्रोडक्शन फैक्टर्स या प्रोडक्शन फोर्सेस, उसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। क्या होता है हम देखते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फोर्स ऑफ प्रोडक्शन में होता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या क्या यूज होता है, फैक्ट्री में क्या क्या यूज हो रहा है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, प्रिमिटिव कम्युनिज्म की बात लेता हूँ सबसे पुराना वाला, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या क्या यूज होता है फैक्टर में। मान लो एक कुल्हाड़ी यूज होगा, एक कुछ तोड़ने वाला यूज होगा, कुछ स्टोन का हथियार यूज होगा जानवर को मारने के लिए। और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में क्या होगा कि जो लोग साथ काम करें उनके बीच रिलेशन क्या है, उनके बीच रिलेशन थोड़ा इक्वल वाला है, कम्युनिटी वाला रिलेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसको किस चीज को सेफ करता है, भाई रिलीजन को सेफ करेगा, फैमिली को सेफ करेगा, वैल्यू को, एजुकेशन, लॉ, इकोनॉमिक, ये बोलते हैं, सिंपल बोलते हैं कि पैसा ही सब कुछ को सेफ करता है। कार्ल मार्क्स का ये इतना मानना था कि जिसके पास पैसा है वो अपना सब कुछ बदल लेगा, ठीक है ना। और ये एक चीज़ और बोलते हैं कि रिलीजन फैमिली भी हेल्प करता है फंक्शनिंग में, लेकिन दबदबा किसका, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। बस ये फिगर बस ध्यान में रखो और हम करते हैं आगे आपके बुक से ही, ठीक है। हमने देखा यहाँ पे क्या था कि वी कैन थिंक द मोड ऑफ प्रोडक्शन एज बींग समथिंग लाइक अ बिल्डिंग द बेस समथिंग। जैसे देखो मोड ऑफ प्रोडक्शन ए बेस था, हमने देखा ना, यही है ना इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ऊपर क्या था, सोशल सुपर स्ट्रक्चर, यहाँ पे है
इट कंसिस्ट ऑफ फाउंडेशन और बेस, ये वाला फाउंडेशन है, लेकिन सुपर स्ट्रक्चर और समथिंग क्या है, ये है सुपर स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे बताता है द बेस और इकोनॉमिक बेस, मैंने बताया था नीचे क्या है इकोनॉमिक सुपर स्ट्रक्चर डैट इंक्लूड्स द प्रोडक्टिव फोर्सेस। प्रोडक्टिव फोर्सेस क्या था, या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या हम बोल सकते हैं FOP, इसको प्रोडक्टिव फोर्सेस को हम ये भी बोलते हैं, प्रोडक्टिव फोर्सेस को हम FOP बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ध्यान देना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन रिलेशन को क्या बोलते हैं, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या क्या यूज होता है, रिलेशन में क्या होता है, आदमी जो सब काम करें उनके बीच आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्टिव फोर्सेस रेफर्स टू ऑल मीन्स और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, टेक्नोलॉजी एंड सोर्सेस ऑफ एनर्जी। यही तो मैंने बात की है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, FOP क्या होता है, कि आप उस प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या क्या यूज करते हो। जैसे हम अभी कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करें तो उसमें क्या क्या यूज करते हैं, लैंड, लेबर, टेक्नोलॉजी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सब कुछ यूज करते हैं। और रिलेशन क्या है, प्रोडक्शन रिलेशन क्या है, सारे इकोनॉमिक रिलेशनशिप कैसे हैं, लेबर मतलब लेबर के बीच जितने लेबर इन्वॉल्व हैं उनके बीच क्या रिलेशनशिप है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रोडक्शन रिलेशन आर आल्सो प्रॉपर्टी रिलेशन और रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द ओनरशिप और कंट्रोल ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, कि प्रोडक्शन प्रोसेस में जो सब कुछ यूज हुआ उस पर किसका कंट्रोल है, भाई फैक्ट्री का मालिक का कंट्रोल है। तो आप उसके और फैक्ट्री का मालिक और आपके बीच कैसा रिलेशनशिप है, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रिमिटिव कम्युनिज्म की बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्टिव फोर्स मेनली क्या क्या होता है, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेनली क्या क्या होता है, फॉरेस्ट, लैंड, एनिमल एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी तो बहुत कम होते हैं, ठीक है ना, वेरी बहुत लो लेवल की टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है ना। यहाँ पे बताया गया कि सिंपल स्टोन टूल होते हैं हंटिंग के लिए। तो प्रोडक्शन रिलेशन क्या होता है, ये भी कम्युनिटी वाला होता है, मैंने बताया ना सब साथ काम करे थे, किसको ज़्यादा पावर भी नहीं है किसी को भी। और यहाँ पे इंडिविजुअल प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात भी नहीं है, ठीक है ना, अभी सब काम कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द इकोनॉमिक बेस दस कंसिस्ट ऑफ द प्रोडक्टिव फोर्स एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। मैंने बताया था कि नीचे क्या है, नीचे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, इसमें क्या क्या कंसिस्ट है, FOP यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सेकेंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, है ना, और इसी को बोलते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन। एक ध्यान देना, MOP इक्वल्स टू FOP प्लस ROP, है ना, MOP इक्वल्स टू FOP प्लस ROP। ऑन द बेस रेस्टेड ऑल द सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। और ऊपर क्या है, इससे सब कुछ डिपेंड करता है, किस मतलब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से डिपेंड करता है ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर, जिसमें क्या क्या आता है, कल्चरल, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और सब कुछ आता है, ठीक है ना, जैसे रिलीजन, आर्ट, लॉ, सब कुछ डिपेंड करता है यहाँ पे, इसको सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं मार्क्स। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलते हैं, ध्यान देना, मार्क्स आर्ग्यू डैट पीपल्स आइडिया एंड बिलीफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ विच दे बेयर पार्ट। देखो यहाँ पे बताया जाए कि जो ह्यूमन का जो आइडिया, बिलीफ, सब कुछ डिपेंड किससे हुआ, सब कुछ चेंज किससे होता है, भाई इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से चेंज होता है, ठीक है ना। यहाँ पे बता रहा जाता है कि मटेरियल लाइफ शेप आइडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस जो हाईलाइटर है उसको आप याद ही रख लो। क्या लिखा हुआ है कि मटेरियल लाइफ यानी पैसा आपके आइडिया को शेप करता है, आइडिया आपके पैसे को शेप नहीं करता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे दिस आर्गूमेंट बेंट अगेंस्ट द डोमिनेंट वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ मार्क्स टाइम। ऑब्वियसली उसके समय में इसका ये उल्टा बोल रहे थे ना, ठीक है ना। मार्क्स प्लेस्ड ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस बिकॉज बिलीव दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ एवरी। हाँ, इकोनॉमिक पे ज़्यादा ध्यान देते, एक टर्म था इसका इकोनॉमिक एंटागोनिस्ट, मतलब कि रिलेशन साथ है। देखो मान लो वर्किंग क्लास और ये है वर्किंग क्लास, एक कैपिटलिस्ट का, दोनों साथ है फिर भी दोनों का सोच अलग अलग है, तो एक दिन तो ऐसा होगा कि स्ट्रगल हो ही जाएगा ना, यही पे बात है। तो इनसे पूछा जाता है कि भाई आपने तो बता दिया कि चेंज हो जाएगा, इवॉल्व हो रहा है सोसाइटी, प्रिमिटिव से स्लेव से फ्यूडल, ये सब चेंज हो रहा है, फिर कैपिटलिस्ट से सोशलिस्ट आएगा, लेकिन आएगा कैसे। तो सिर्फ एक जवाब देते, एक वर्ड बोलते, क्लास स्ट्रगल,
ठीक है ना, क्लास में स्ट्रगल होगा, ऊपर वाले क्लास नीचे क्लास के बीच स्ट्रगल होगा, फिर क्या होगा, ऊपर वाले क्लास का तख्ता पलट कर दिया जाएगा नीचे वाले क्लास का, और एक क्लास स्ट्रगल कैसे होगा अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ठीक है ना, चलो एक बारी इसको जितना हमने किया है वो एक बारी मैं वो करा दे रहा हूँ। ठीक है ना, सबसे पहले एक पेज निकालते हैं। देखिए ये सबसे पहले दो चीज़ के बारे में, एक तो इकोनॉमिक सुपर इकोनॉमिक बेस, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर के बारे में तो ध्यान रहे। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जिसको मोड ऑफ प्रोडक्शन बोलते थे, ये बोलते थे इसमें क्या क्या है, FOP फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है, रिलेशन बिटवीन मैन एंड थिंग्स, कि मैन किस किस चीज़ों का यूज करता है प्रोडक्शन के लिए, और दूसरा रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन कि लोगों का रिलेशन कैसा है एक दूसरे से। ठीक है ना, ये हमने देखा था कि एक रिलेशन कैसा है, एक है वर्किंग क्लास एक है कैपिटलिस्ट क्लास, तो रिलेशन थोड़ा एंटागनिस्टिक है। एंटागनिस्टिक का मतलब एंटागनिस्टिक कोऑपरेशन है, साथ रस्त रह भी रहे हैं क्योंकि एक दूसरे की ज़रूरत भी है, और लेकिन एक दूसरे का सोच उल्टा है बिल्कुल। ठीक है ना, उसके बाद हमने यहाँ पे उनके उसके अलावा हमने एलियनेशन किया था, एलियनेशन खपा हो जाना एक दूसरे से, तो खपा किस किस बेसिस पे हमने देखा था, सबसे पहले देखा था नेचर। ठीक है ना, नेचर, फिर एक दूसरे से ईच अदर, फिर हमने देखा था किस से प्रोडक्ट, फिर हमने देखा था इटसेल्फ। ठीक है ना, ये भी कर लिया हम। उसके बाद हमने देखा था कि क्लास स्ट्रगल होगा, तो हमने यही देखा था। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ देखा था कि सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुआ है, सोशल इवोल्यूशन कैसे हुआ है। ठीक है ना, इवोल्यूशन हुआ है, सबसे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, फिर स्लेव था। ठीक है ना, फिर स्लेव सोसाइटी था, फिर फ्यूडल लॉर्ड्स था, और कैपिटलिस्ट सोसाइटी था, क्लास स्ट्रगल होगा, सोशलिज्म कम्युनिज्म आएंगे, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद इकोनॉमिक सोशल स्ट्रक्चर तो देख लिया, अब क्या बचा, यही तो हमने किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्लास स्ट्रगल। ठीक है ना, क्लास स्ट्रगल और कुछ आपको एक और टॉपिक पता चलेगा, कंसेंसस, वो पता चलेगी। ठीक है ना, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।